तो तीर्थ सदारत अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवस्थिया द्वारावती आर जत आछे तुम्ही चाहो भ्रमि बारे एस कल बारे बारे मुक्ति लाभ परिवार करे। बोले श्री राधा विनोद बिहारी देव की कर, तुम क्या चाहते हो? सब तीर्थों को भ्रमण करने से मेरी मुक्ति हो जाएगी। लेकिन भक्ति मनोहर ठाकुर कहते हैं, ए सकल तब भ्रम निरर्थक परिश्रम चित्त स्थिर तीर्थ नहीं करे। तुम्हारी भ्रम है, तीर्थ भ्रमण करने से मुक्ति हो जाए, तुम्हारा भ्रम है। बोले जो शास्त्र ने बताया तीर्थ करो, बोले तीर्थ फल साधु संग, साधु संग अंतर अंदर श्री कृष्ण भजन मनोहर। शास्त्र में जो तीर्थ की बात बताया, क्यों? तीर्थ में साधु लोग रहते हैं, वहां जाकर के हरि कथा सुनने को मिलेगा। इसलिए जथा साधु कथा तीर्थ स्थिर करनी जति, कहां तीर्थ है? जहां साधु जहां भगवान कथा रूपी गंगा की मंदाकिनी की नदी रहती है, उसी में ही डुबकी लगाओ। इसलिए कहते हैं गिरी तथा गोवर्धन भूमि तथा वृंदावन। गिरिराज कहाँ है, वृंदावन कहाँ है? पूरे जहां पर शुद्ध वैष्णव हरि कथा बोलते हैं। इसलिए कहते हैं जे तीर्थ वैष्णव नाही से तीर्थ ते नाही जाए। जहां पर वैष्णव नहीं हरि कथा नहीं, भैया वहां जाने का कोई जरूरत नहीं, वहां कोई जाने का कोई जरूरत नहीं है। जे तीर्थ वैष्णव नाही से तीर्थ ते नाही जाए, किला भाटिया झोले। भैया चल चल गए तो प्यार दर्द होगा, पैसा खर्चा होगा, लास्ट में गोला कुछ मिलेगा। इसलिए तीर्थ कहां पर है? भक्ति मनोहर ठाकुर श्री प्रभुपाद कहते हैं जथाए हरि कथा से खाने तीर्थ, जहां पर हरि कथा हो रही है वही असली तीर्थ है, असली तीर्थ वही पर है। इसलिए यहाँ पर कह रहे जस तीर्थ भरे सक्री कृष्ण कथा रूपी मंदाकिनी में। सक्री सक्री मतलब एक बार, अगर कोई एक बार कृष्ण कथा रूपी मंदाकिनी नदी में अगर कोई डुबकी लगाए तो कैसे? बोले श्रोतान जली रूप स्पृश्य धुनते कर्म वासना। उदाहरण दिया है करिए कान को एक अंजलि, जैसे हम लोग पानी पीते हैं ना, कैसे पानी पीते हैं? अंजलि में भर भर करके हैं, अंजलि में भर भर करके हम पानी पीते हैं। उसी तरह जो व्यक्ति ये कान को देखो, इसका आकृति कैसे? धोना जैसे, जैसे किसी धोने से हम पीते हैं ना कोई चीज को, कान का आकृति कैसे? धोने जैसे कान की आकृति। कहते जो व्यक्ति श्रोतांजलि उपस्पृश्य, जो कान रूपी धोने में कृष्ण कथा रूपी जो रस को जो भर भर करके जो पान करते हैं, धुनुते कर्म वासना, उसका जितने कर्म वासना है सब के सब नष्ट हो जाते हैं। तब श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर यहाँ टीका में बहुत अच्छी अच्छी टीका में बात कहते हैं। बच्चा अगर कहते भैया कोई अगर एक बार अगर कहते हैं कृष्ण कथा रस को पान करे, उसको सारी कर्म वासना नष्ट हो जाती है। लेकिन जो हर समय पीते रहते हैं, जो हर समय कृष्ण कथा रूपी नदी में स्नान करते रहते हैं और कान रूपी दोने में जो भर भर करके जो कृष्ण कथा को पान करते हैं, बोले भैया उसका महिमा को हम क्या बताएंगे। तब विश्वनाथ चक्रवर्ती कहते जो कान में सुनते हैं उसका इतना महिमा, जो व्यक्ति जीवा में ठाकुर का नाम लेते कथा, बोले भैया उसका तो और भी महिमा। कहते जो इन्हीं आंखों से जो ठाकुर का दर्शन करते, भैया उसका तो महिमा तो बता ही नहीं सकते। लेकिन जो व्यक्ति इन्हीं हाथों से ठाकुर जी को सेवा करते हैं, बोले भैया उसकी महिमा हम क्या बताएंगे। अगर कोई प्यार से कोई मंदिर परिक्रमा करते उसका तो महिमा तो हम बता ही नहीं सकते। बोले जब कृष्ण कथा एक बार सुनने से इतने महत्व है और जो हर समय सुनते रहे और सारे इंद्रियों को कृष्ण कथा में कृष्ण सेवा में लगा करके रखे, बोले उसका महिमा तो हम बता ही नहीं सकते हैं। वो कितने सौभाग्यवान, उसकी कितना महिमा है। इसलिए कथा बहुत है, फिर कल सुनेंगे। आज हम सोच रहे थे सब वैष्णव लोग कुछ कुछ बोले, हमारे श्री नरोत्तम प्रभु जी, नरोत्तम ठाकुर जी, नरोत्तम प्रभु जी आ गए। प्रभु तो सब जानते हैं। ओम अज्ञानतिमिरहस्य ज्ञानोज्ज्वलशलाकय चक्षुरनुमीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वंशकर्तृभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो
कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव सनि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मैं सबसे पहले अपने गुरु पाद पद मित्रिला प्रविष्ट श्री श्रीमद भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज मित्रिला प्रविष्ट श्री श्रीमद भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज के चरणों में प्रणाम करते हुए उनकी हेतु की कृपा की प्रार्थना करता हूँ। तत्पश्चात मेरे अभिन्न गुरु पाद पद मित्रिला प्रविष्ट श्री श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी मित्रिला प्रविष्ट श्री श्रीमद भक्ति वेदांत त्रि विक्रम गोस्वामी महाराज जी एवं मित्रिला प्रविष्ट श्री श्रीमद भक्ति वेदांत भवन गोस्वामी महाराज के चरणों में भी प्रण होकर उनकी अहितों की कृपा की प्रार्थना करता हूँ। यहाँ पर उपस्थित शिला पूज्यपाल श्री भक्ति वेदांत श्रीधर महाराज जी और संजय प्रभु और यहाँ पर उपस्थित अन्य समस्त वैष्णव वैश्य के चरणों में अपने यथायोग प्रणाम करता हूँ। सुबह मंगला आरती के बाद महाराज जी ने कुछ बोलने के लिए बोला तो उस समय मैं तो कोशिश कर रहा था कि मैं उनके सामने ना आऊं कि मुझे मेरा नंबर ना आए, लेकिन सुबह ही मुझे बोल दिया मंगला आरती में। तो उस समय फिर मन में ये भी आया क्या कर गया क्या कर रहे हो बोल दीजिए। फिर बाद में मन में ये भी आया कि जब हम फरीदाबाद में रहते थे उस समय जो वहाँ पे कथाएं सुनते थे वहाँ पर एक बार रूप गोस्वामी जी की तिथि के समय शिला काम हो गया था शिला भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज शिला भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज सब समय कहते थे कि जब रूप गोस्वामी जी की तिथि आती है तो हम क्या करते हैं उनके चरण में पुष्पांजलि देते हैं। तो उस समय वो कहते थे कि यदि मन में पुष्प ना हो तो उस समय क्या करेंगे किसी से मांग कर भी उनके चरण में पुष्पांजलि देंगे, लेकिन जो उस समय पुष्पांजलि नहीं देता उसको क्या कहें वो वहां दुर्भाग्य है कि तिथि आई है उनके चरण में पुष्पांजलि देने को मौका मिला लेकिन तब भी अगर नहीं देंगे तो उससे बड़ा दुर्भाग्य कौन होगा। इस कारण जब हमें कथा बोलना आता नहीं है हमें ढंग से कथा बोली आती नहीं लेकिन तब भी क्या करेंगे जो सुना है उसी को ही वापिस दोहराएंगे और उसी के द्वारा क्या करेंगे जिनकी तिथि है उनके चरण में पुष्पांजलि देंगे और जिन्होंने आदेश किया कथा करने का उनकी आज्ञा का पालन भी हो जाएगा। इसी कारण से जो भी मैंने अपने महाराज या माधव के प्रभु या अन्य वैष्णव से जो सुना है उसी को दोहराने का प्रयास करता हूँ। सबसे पहले इस महीने का नाम है कार्तिक व्रत। इस महीने का नाम कार्तिक क्यों पड़ा तो उस समय वैष्णव ने मुझसे सुना वो कहते कि कीर्तिदा सुंदरी की पुत्री होने के कारण राधा रानी का एक नाम है कार्तिक, इसलिए इस महीने का नाम क्या है कार्तिक व्रत। और नाम तो बहुत सारे ऊर्जा व्रत दामोदर व्रत नियम व्रत इस तरह बहुत सारे नाम है इस व्रत इस मास के। और ये जो मास है कृष्ण का अत्यंत प्रिय मास है और इसी दौरान कार्तिक महीने में ही हमारे प्रभु जी ने हमें उत्कलिका मलरी से कुछ दो श्लोक याद करवाए थे। उस समय ये मैं सिखाया था कि कैसे हमें रूप गोस्वामी पाद कृष्ण से कैसे प्रार्थना करनी है और राधा रानी से भी क्या प्रार्थना करनी है वो हमें सिखाया। उसमें दो श्लोक थे, पहला श्लोक था प्रणिपत्य भवंतम अर्थय पशुपालेन्द्र कुमार काकुबी मालिका करुणा पात्र में जन्म करो। इसमें रूप गोस्वामी पाद अपने मंजिल स्वरूप में क्या बोल रहे हैं कि मैं पशुपालेंद्र कुमार पशुपालेंद्र साथ नंद महाराज के जो पुत्र हैं उनके चरणों में प्रणत होकर काकू वाणी से क्या कर रही हूँ प्रार्थना कर रही हूँ कि मुझे क्या करे वो जो ब्रज रमणीय की शिरोमणि राधा रानी है उनकी मुझे कृपा पात्री बना दे। और जब हम राधा रानी से प्रार्थना करेंगे क्योंकि ये प्रभु ने श्लोक क्यों करवाए थे क्योंकि इस व्रत का नाम है ऊर्जा व्रत और इस दूसरे श्लोक में उनका नाम आता है उदयेश्वरी और दूसरे श्लोक क्या है भवती मविवाद्य चाटुवीर वरम ऊर्जेश्वरी वरम अर्थ है भवदीय तया कृपा यथा मई कुरियाद अधिकाम वकांतक। उसमें क्या कह रहे हैं भवती मविवाद्य चाटुवीर हे ऊर्जेश्वरी राधा रानी मैं आपके चरणों में प्रणत होकर
चातु वाक्यों से क्या प्रार्थना करती हूँ, ये क्योंकि लोगों सामने तो मंदिर स्वरूप में बोल रहे हैं, इसमें कह रहे हैं कि ये प्रार्थना करती हूँ कि जो बकासुर का वध करने वाले कृष्ण है उनकी मुझे स्वतंत्र रूप से कृपा नहीं चाहिए, और जब कृपा करे तो मुझे आपकी जानकारी कृपा करे, स्वतंत्र रूप से मुझे उनकी कृपा नहीं चाहिए, ऐसी वाली प्रार्थना ही हमें करनी चाहिए। और दूसरा, ये तो दो श्लोक मन में आ रहे थे, उसमें बार बार हम स्मरण बोलते, सुबह उठ के मंगला आरती के बाद डेली बोर्ड पे श्लोक लिखे होते थे और इसको प्रभु जी डेली उच्चारण करते थे, उसके पीछे भी दोहराते थे और डेली इनका अर्थ वो समझाते थे हमें, इस तरह ये दो श्लोक सबसे मेरे लिए याद रह गए, इसलिए इसको बोला। और दूसरी ओर हमारे महाराज जी मित्रिका प्रविष्ट श्री शिव भक्ति के ज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी वो कहते थे कि भगवान को, भगवान वो है जो सब समय कौन है, भक्ते भक्तिमान, और भक्त क्या है, सब समय भगवान है भक्तिमान, अर्थात भगवान का एक ही कार्य है सब समय भक्तों की सेवा करना, उनकी महिमा को जगत में प्रकाशित करना और भक्तों के लिए सब कुछ करना, और भक्तों का क्या कार्य है, सब समय भगवान की चिंता में उनकी सेवा सब समय रहना। इसी को समझाने के लिए बहुत सारी बातें जैसे अलग अलग वैसे सुनी, उसी को रिपीट करने का प्रयास करता हूँ, कैसे भगवान भगवान भक्तिमान है और भक्त भगवान भक्तिमान है। तो उसमें जैसे जैसे हम मुख्यमंत्री नारायण गोस्त हमारी कथाई भी सुनता बीच बीच में, उनका जो जो भी मिक्स होगा सब बोलूंगा, साथ में महाराज जी का भी, उनका भी और प्रभु जी का भी जो मैंने सुना बोलूंगा। तो उसमें जैसे हमने वृद्ध भागवत अमृत पढ़ रहे थे तो उस समय आया था कि एक उसमें उसको बताने के लिए एक श्लोक भी आपने याद किया था, आचार्य मां विचारिया ना अवमन कर ही चेत ना मरते बुद्धे असुरियत सर्वदेव भय गुरु। तो आचार्य मां विचारिया कृष्ण कहते हैं कि आचार्य को मेरे से रूप जानो, उनकी कभी भी उनके चरणों में कभी अपमान मत करो, उनके तो कभी ईर्ष्या द्वेष मत करो, क्यों, सर्वदेव भय गुरु, सर्व हमारे महाराज सर्व शब्द का व्याख्या करते हुए सर्व का अर्थ है कृष्ण, जो कृष्ण सहस्त्र नाम है उसमें एक कृष्ण का नाम दिया गया सर्व, सर्व मतलब कृष्ण, इसे सर्व देवमय गुरु, कृष्ण देवमय गुरु, गुरु कौन है, उनकी हर एक क्रिया कैसी है, कृष्णमयी है, उनकी हर एक क्रिया में कृष्ण की सेवा है, उसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। इसी तरह ही राधा रानी को क्या बोलते हैं हम लोग, राधिका उज्ज्वल रसेनाचार्य, राधा रानी कौन है, उज्ज्वल रस की आचार्य है, इसलिए उनकी भी क्या क्रिया, उनकी सारी क्रिया कैसी है, कृष्ण की सेवा के लिए ही है, उसके अतिरिक्त उनका कोई भी कार्य होता नहीं है। इस राधा रानी का एक नाम क्या है, उनका नाम ही है सेवा, राधा रानी का एक नाम। तो कैसे बाहर से लगता हमें उनकी क्रियाएं कि राधा रानी अपनी सेवा करवा रही है उनसे, जैसे हम सेवा कुंज में देखते हैं कि राधा रानी अपने क्या करवा रही, अपने चरणों की सेवा करवा रही कृष्ण से, और दूसरे श्रृंगार वट में जाकर देखते हैं हम लोग कृष्ण से क्या करवा रहे, अपना श्रृंगार करवा रही है। लेकिन जब बृहद भागवत पढ़ रहे थे उसमें क्या बात आई, सनातन के सर्वात बोल रहे हैं कि कृष्ण, जैसे हमने पहले सुना कि कृष्ण की क्या इच्छा है, सबसे में वो चाहते हैं कि भक्त की कैसे सेवा करो, और भक्त क्या चाहते हैं कैसे भगवान की सेवा करो, या भगवान इसलिए शब्द बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि कृष्ण जो है वो साधारण व्यक्ति नहीं है। इसे जब भी हम भागवत पढ़ते हैं या गीता देखते हैं सबसे में भगवान उवाचा भगवान कृष्ण, क्यों, क्योंकि कृष्ण कोई उनकी जो लीलाएं है ऐसे साधारण स्त्री पुरुष की लीलाएं नहीं है, वो कैसी है, एक भगवान अपने भगवान का जो भक्त वसल है उसमें प्रदर्शित हो रहा है कि कैसे भगवान अपने भक्तों के लिए क्या कुछ कर सकते हैं, और भक्त भी कैसे अपने भगवान के लिए अपने प्रभु के लिए सब कुछ करने के लिए प्रस्तुत रहते हैं। तो उस समय कृष्ण की क्या इच्छा होती है कि ये गोपियां सबसे मेरी सेवा करती हैं और मेरे को कभी भी मेरी उनके मन में कभी इच्छा आती नहीं कि मेरे से कुछ सेवा ले, तो मैं कैसे उनकी सेवा करूँ, इस कारण कृष्ण का मन सब समय झटपट करता है कि मैं कैसे गोपियों की सेवा करूँ। तो गोपियां क्या करती है, वो भी क्या करती है कि कृष्ण को इतना सा भी दुख ना हो इसलिए क्या करती है, अपनी सेवा उनसे करवा लेती है, बाहर से लग रहे हैं कि क्या हम कृष्ण के चरणों को लौट रहे हैं या उनका श्रृंगार कर रहे हैं, लेकिन गोपियों का अपने चरणों को उनसे पलटवाना और उनका श्रृंगार करवाना वो भी कैसा है, वो भी कृष्ण की इच्छा को पूरा करना है, कृष्ण को सुख प्रदान करना है, लेकिन बाहर से क्या लग रहा है, गोपी अपना काम करवा रही है, इसलिए सर्वदेव मय गुरु, उनकी हर एक क्रिया कैसी है, कृष्णमयी है। और दूसरी ओर जब हम देखते हैं कि राधा रानी मांग कर लेती हैं, तो मैंने ऐसे वैष्णव सुना था सिद्धांत की मारे कथा में कि चंद्रावली कहती है कि देखो ये राधा रानी कितनी उनका अभिमान है,
कि शिव का कितना करते हैं, लेकिन उस वक्त मान में रहती है, मान कर देती है, लेकिन उनका मान करना भी क्या है? अगर कुंज में अगर कृष्ण को प्रवेश करने नहीं देती है, उसका पीछे कारण क्या है? क्योंकि राधा रानी बोलती है लंका को, लंका सखी क्या है, उनकी गुरु है, उनको बोलती है कि कैसे मान करना है, तुम ढीली पढ़ना नहीं, तो लेकिन राधा रानी बोलती है कि मैं तो ऐसा कर नहीं सकती हूँ, तुम क्या करो, मुझे कृष्ण की एक छवि मुझे दे दो, मैं उसको देख कर मान कर सकती हूँ। लेकिन तो अगर तुम बोलोगे कि मैं उसे मान करूँ, कैसे करूँ? लेकिन इस तरह उनकी जो सारी लीलाएं कैसी है, कृष्ण को सेवा प्रदान करने के लिए, क्यों राधा रानी मान करती है? कुंज में आने के लिए क्यों नहीं बोलती? रूप में मंजिल जाती मंजिल क्यों बोल देती? बाहर से आज कोई काला अंतर आएगा नहीं, सारे अपने केशों को ढक लेते हैं, कोई ब्राह्मण कोई भी काली वस्तु देखोगी नहीं, क्योंकि कृष्ण चंद्रावली के पास जाते हैं। वहां जाकर राधा रानी जानती है कि चंद्रावली जानती है कि कृष्ण की सेवा कैसे करनी है। हम जानते हैं कि कृष्ण की सेवा कैसे अच्छे से कर सकते हैं, कैसे उनको सुख प्रदान कर सकते हैं। इस तरह राधा रानी मान करती है कि उनको कैसे सुख देना है वो हम जानती है। दूसरा, उनका मान करना भी क्या है? जब तक प्रेम में कोई बाधा ना आए तो प्रेम में कोई आस्वादन आता नहीं है, इसलिए आस्वादन को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, वो बीच में मान करते हैं। ये सारी बातें जो सुनी बोली। और दूसरी ओर जो कृष्ण है, हम देखते हैं कि लोग बोलते हैं कि कृष्ण गोपियों को छोड़कर चले गए, जो गोपियां कृष्ण मित्र प्रीति करती है उनके लिए नर्क जाने के लिए भी तैयार है, जब नारायण ऋषि आए सब कुछ करने के सब समय रेडी है, तो फिर कृष्ण को छोड़कर क्यों चले गए मथुरा में? उसमें तो महाप्रभु कहते हैं कि पहली बार तो कृष्ण कभी व्रत छोड़कर जाता ही नहीं है, उसमें पाद एकम न गच्छति वृंदावन पतितज्यम पतितज्यम पादम एकम न गच्छति, भगवान कभी भी व्रत छोड़कर जाते ही नहीं है। लेकिन बाहर से क्या लग रहा हमें, कृष्ण क्या व्रत छोड़कर मथुरा चले गए, लेकिन वो भी क्या है, जैसे वो मंगलारती गाते उसमें अपना आनंद वर्धन प्रेम निकेतन फुलशर योजक का, भगवान कैसे है, आनंद वर्धन है, सबसे आनंद का वर्धन करने वाले हैं। और दूसरा, जब हम नमामि नंद नंद अष्टकम गाते हैं उसमें क्या आता है, प्रदंत न सुनायकम सदा सुख प्रदायक, कृष्ण सब समय सुख प्रदान करने वाले हैं। तो जो उनकी अत्यंत प्रिय गोपियां हैं तो क्या उनको कभी दुख प्रदान कर सकते हैं? सिर्फ क्योंकि कृष्ण कौन है, कृष्ण है विदग्ध अर्थात रस चतुर, किस समय किस रस का कैसे इसको पान करवाना भक्तों को, सब भली प्रकार से जानते हैं, किस तरह कैसे आनंद का वर्धन करना है सब प्रकार से जानते हैं। तो कृष्ण पर प्रेम के निकेतन है, उनके हृदय में प्रेम भरा पड़ा है अपने भक्तों के लिए। इस कारण वो जब जाते हैं तो भी क्यों जाते हैं, क्योंकि जब गोपियां जब कृष्ण से मिलन होता है उनका मिलती है तो मिलन तो बाद में होता है, पहले उनका विरह शुरू हो जाता है कि कृष्ण अभी आए अभी चले जाएंगे। लेकिन जब विरह होता है तो विरह में क्या होता है, जहां जहां नेत्र पड़े तहां कृष्ण सूर्य तमाम वृक्ष को देखती है तो क्या स्मृति आती है, कृष्ण की स्मृति आती है। आकाश में मेघों को देखती है तो क्या स्मृति आती है, कृष्ण की स्मृति आती है। यमुना जी को देखती है तो क्या स्मृति आती है, कृष्ण की स्मृति आती है। इस तरह उनकी हर एक क्रिया में उस समय विरह में उनका मिलन और बढ़ जाता है। इस तरह कृष्ण चाहते हैं कि जब मैं मिलता हूँ तो मेरा इतना मिलने के बाद उनको विरह पहले शुरू हो जाता है। तो इस तरह उनका जो दूर जाना लग रहा है वो दूर जाना भी क्या है, उनकी प्रीति वर्धन के लिए ही है। इसको इसी पॉइंट को समझाने के लिए हमारे महाराज को समय समझाते थे कि एक असम में एक रानी थी जयमती, तो जो उनका जो पति था वो राजा था, तो दूसरे राज्य ने क्या किया उसके अटैक किया और उनके राज्य को छीन लिया, तो राजा तो भाग गया वहां से और रानी को उन्होंने बंदी कर लिया। जब राजा जंगल में चला गया वह रहते रहते क्या हुआ, उसके केश बड़े हो गए, वस्त्र किले पड़ गए, जगह जगह स्नान करने से उसका एक रूप साधु जैसा बन गया। तो लोग बोलने लगे कि ये तो राजा के बारे में बोलने लगे, राजा किसान दुष्ट निकला, रानी को बंदी कर लिया, लेकिन राजा आराम से भाग गया, उसको कोई चिंता ही नहीं है। तो ये सब शब्द उसके कानों में पड़े तो उसके कानों उसको बहुत दुख हुआ कि मैंने वैसा एक व्यक्ति हूँ। तो जब रानी को मिलने के लिए गए तो उस समय उन्होंने क्या परिचय दिया कि मैं रानी का गुरु हूँ, इसलिए मैं अपनी चेली को मिलने के लिए आया हूँ। तो जब अंदर ले गए उनको रानी को पास चले गए, जैसे रानी ने देखा, रानी ने पहचान लिया कि ये कौन है, ये तो मेरे पति हैं जिनको मैं प्रीति करती हूँ। लेकिन उन्होंने बोला, जैसे राजा को देखा रानी ने अपना मुख फेर लिया और बोला, ये मेरा कोई गुरु गुरु नहीं है, ये लंपट है, मेरा रूप देखने के लिए आया है, इसको तरह तो क्या करो, यहाँ से बाहर निकाल दो। तो बाहर से क्या लग रहा है, रानी को गले निकाल रही है अपने पति को। तो फिर जो सिपाही लोग थे उनके मन में भी क्या आया कि
उन्होंने सोचा क्या रानी ठीक ही बोल रही है, उन्होंने धक्के मार के क्या किया उसको बाहर निकाल दिया और बस बात कर रहे आपस में कि ये एक लूटा साधु कहां से आ गया रानी का रूप देखने के लिए। रानी अच्छा के डांट फटकार करके उसे बाहर निकाल दिया, लेकिन रानी के हृदय में क्या चल रहा था? रानी ने मुख क्यों मोड़ लिया? वो मुख इसलिए मोड़ लिया, अगर मैं इनको देखूंगी, अगर मेरी आंखों से आंसू आ गए तो ये समझ जाएंगे कि ये कौन है, इसलिए मुख मोड़ लिया। और जब गाली बोल इसलिए निकाली, उसको बोला कि अभी बाहर निकाल दो, कि उन्होंने क्या कहा उनके शब्दों में लग रहा है गाली निकाल रही है, लेकिन शब्दों में क्या आना था कि यदि आप मेरे को प्रसन्न दिखना चाहते हैं तो क्या करें, इसी समय यहाँ से निकल जाए, नहीं तो क्या होगा, मेरे को अच्छा लगेगा नहीं, मेरे को सुख मिलेगा नहीं, आप दुखी होंगे। तो बाहर व्यक्ति को क्या लग रहा है कि वो गाली निकाल रही है, समझ नहीं पाए। इसी तरह ही महाराज बोलते हैं प्रेम राज्य में क्या होता है, हाँ का मतलब ना और ना का मतलब हाँ, इसको समझना सबके बस की बात नहीं होती है, जो उसको जानते हैं वही समझ पाते हैं, नहीं तो नहीं समझ पाएंगे। जैसे उसी कोई भागवत में हम सुनते हैं कि भागवत में राधा जी का नाम ही नहीं है, हमारे महाराज बोलते थे इसी को समझाने के लिए एक और कथा सुनाते थे कि महाराज के गुरु भाई थे मायापुर में, वो कपड़ों का कार्य करते थे, कपड़े जो थे पहले उसको क्या कहते हैं हफ्ते हफ्ते का हार लगता था, उसको कपड़े सबको दे देंगे तो हफ्ते बाद वो पेमेंट करने आते थे। तो एक दिन उनके घर में चोर आ गया, जब चोर आ गया तो चोर ने पूरी छानबीन कर ली, उसको कुछ मिला ही नहीं, तो लास्ट में चोर बोला कि कम से कम कुछ तो रख लो, मैं इतना खर्चा करके चोरी करने आया, मेरा खर्चा पूरा हुआ नहीं, सिर्फ 5 रुपए ही मिले यहाँ पे। तो फिर वो तो इधर नहीं करती है, तो उसके घर में कुछ था नहीं, कैश नहीं था, लेकिन उसकी पत्नी के मोटे मोटे कड़े थे, मोटी चैनी पहन उसे चेन पहन रखी थी, लेकिन उसने क्या किया जब बाहर आठ सुनी तो जो साड़ी के फोल्ड होते ना उसमें अपने गहनों को छुपा दिया, तो उसको कपड़ों में डाल दिया, तो वो चोर कपड़े फेंकता जा रहा है, लेकिन साड़ी तो बहुत बड़ी होती है, उसके फोल्ड में कहाँ कहाँ उसने अपने आभूषण छुपा दिए, उसको दिखे नहीं। इसी तरह भागवत में सब जगह राधा रानी का नाम भरा पड़ा है, लेकिन दिखेगा कौन? जिसकी आंखें उसको दिखेगा, जैसे देखिए ना देखे जाए तो अभक्त के घर उल्लू के ना देखे जाए सूर्य ना किरण, जैसे अभक्त लोग को देखने ना दिखता नहीं है, जैसे उल्लू है उसको सूर्य उदित हो चुका है, लेकिन उसको क्या लगता है सब जगह अंधकार है, लेकिन सूर्य तो उदित हो चुका है, उसको दिखता नहीं, तो क्या सूर्य है नहीं? इसी तरह भागवत में क्या है, सर्वत्र राधा रानी का नाम है। इसको समझाने के लिए मारा बोलते जो भागवत का पहला श्लोक है जन्मादस्य, तो जैसे एक साधारण विधि होती है कि कोई भी वैष्णव जब अपने ग्रंथ का आरंभ करते हैं तो अपने जो आराध्य है उनका मंगलाचरण करते हैं, मंगलाचरण किए बिना क्या कोई अपना ग्रंथ आरंभ करता है? तो क्या शुभदेव गोस्वामी जी ने अपने आराध्य का मंगलाचरण किए बिना ही ग्रंथ आरंभ कर दिया? तो उसमें मारा बोलते थे उसमें दो शब्द है अन्वय इतरा, इतरा जो पीछे पीछे चलने वाले हैं, अन्वय आगे आगे चलने वाले, तो वो जो कृष्ण राधा रानी जी के पीछे पीछे चलने वाले हैं उनका मैं ध्यान करता हूँ, इस तरह अपने आराध्य देवी जो उनकी जो उनकी जो ईशा है मदीशा है उनकी राधा रानी उनका क्या किया उनका उनका स्तव किया। कौन से उनके आराध्य हैं? उनके कृष्ण, वो बोले कृष्ण हमारे आराध्य हैं जो कि राधा रानी के पीछे पीछे चलने वाले हैं, वो ही कृष्ण हमारे आराध्य हैं, उनका स्तव करके क्या किया अपने ग्रंथ का आरंभ किया, इन सब बातों को महाराज जी बताते थे। और दूसरा मेरे अभी टाइम खत्म हो गया, जैसे एक क्लास बोलूंगा बोलना चाहता हूँ, जैसे और नारायण गुरु समय की बात वो मेरे मन को बार बार स्मरण आती है, बोलना चाहता हूँ कि ब्रज में क्या है, सभी नाच रहे हैं, कृष्ण हो गोपियां हो माताएं हो सखा हो सब नाच रहे हैं, लेकिन उनको नचा कौन रहा है? प्रेमी उनको नचा रहा है, इसलिए वो कहते थे कि ब्रज का राजा कौन है? कृष्ण नहीं है, राधा रानी कोई नहीं है, ब्रज का राजा है प्रेम, प्रेम सबको क्या कर रहा है वह सबको नचा रहा है। इस तरह जो स्मरण है बोला हरे कृष्ण राधा रमन, राधा रमन जी, राधा रमन नरोत्तम प्रभु की जय। धीरे 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 तुमको उतार दो गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः नमो विष्णुपादाय राधिकाय प्रियात्मने
श्री श्रीमद् भक्ति वेदान नारायण गोस्वामी इति नामिने वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम अपने गुरु पार्षद को विष्णुपाद स्तोत्र श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रीधर गोस्वामी महाराज जी के चरणों में दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात नित्य लीला प्रवीण श्री श्रीमद् शिला भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज नित्य लीला प्रवीण श्री श्रीमद् शिला भक्ति वेदांत स्वामी महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात पूज्यपाद संजय प्रभु पूज्यपाद सुंदर गोपाल प्रभु उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवियों के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करता हूँ। मैं जब भक्ति में जब आया ना तो मुझे स्टार्टिंग से एक चीज सुनना बहुत पसंद था, क्योंकि सुंदर गोपाल प्रभु है वो हमें लाए, तो स्टार्टिंग से वो हमें वैष्णव के बारे में बहुत बताते थे, क्योंकि उनका संपर्क मुझे बाबा माधवप्रिय प्रभु जी से था और वो भक्तिवीन भारती महाराज जी से संबंधित थे, और हमारे भक्तिवीन भारती गोस्वामी महाराज जी का एक बहुत ही स्वभाव था, वो कभी भी हो वो कुछ भी टॉपिक हो वो वैष्णवों के लिए जरूर बोलते थे।